हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इनोवेटिव केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, TLC, इसमें जो प्लेट्स यूज होते हैं उसका वो क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइन बाई लाइन आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम बॉक्स देखते हैं। बॉक्स पे कुछ चीज़ें लिखा होता है TLC, ध्यान देना। ये बॉक्स का इमेज मैं लेकर आया हूँ, ये मर्क का है। इस पर लिखा TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सिलिका जेल 60F254। ठीक है, तो इस पर जो लिखा होता है इसका मीन्स, TLC का मीन्स आप जानते हो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ए इसका मीन्स हो गया। और सिलिका जेल SiO2 का होता है फाइन पार्टिकल्स, इसका जो मेस साइज होता है पार्टिकल साइज होता है वो 60 होता है। ठीक है, एफ का मतलब फ्लोरोसेंस होता है और ये 254 नैनोमीटर पर फ्लोरोसेंस शो करेगा। फिर यहाँ पर जो होता है 25 ग्लास प्लेट्स होंगे। ठीक है, और इनका जो लेंथ ऑफ वेट का रेशियो होगा 20-20 का इनका होगा। ये हो गया बॉक्स पर जो लिखा होता है उसका मीन्स हम समझे। ठीक है, मेनली तो मल कंपनी बनाती है, दूसरे भी ढेर सारी कंपनियां एक दो और बनाती हैं। हम कौन कंपनी बनाती है कौन कंपनी नहीं बनाती है हम उसके बारे में यहाँ नहीं वो करेंगे। हम सीधा आते हैं इसके बाद। जो अब देखो, जो TLC प्लेट होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। जो TLC प्लेट होता है इसमें क्या होता है, जो हम यूज करते हैं, जो हमारे लैब में आते हैं, इस प्रकार से होता है TLC प्लेट। ये एल्यूमिनियम फॉयल का होता है। इसके ऊपर जनरली SiO2 का क्या किया जाता है, SiO2 का कोटिंग किया जाता है। और कुछ केस में क्या होता है, एल्यूमिना Al2O3 का भी इस पर कोटिंग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग केसेस में क्यों SiO2 की कोटिंग की जाती है और क्यों Al2O3 की कोटिंग की जाती है, इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, अब समझना, ये जो होता है इसका आपने मेस साइज, मैंने यहाँ बताया मेस साइज कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, मेस साइज मीन्स सिल्के की जो पार्टिकल की साइज हो 60 होती है। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर थिकनेस की बात करें तो HP हाई प्रेशर TLC, ये भी एडवांस TLC का एडवांस फॉर्म है। HP TLC के लिए जो इसका सिलिका का जो विड होता है, जो इसका थिकनेस होता है, ये होता है मिलीमीटर 0.15 mm, और जनरली जो हम एनालिटिकल यूज लैब में यूज करते हैं वो होता है 0.25 mm इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर तो लिखा नहीं है लेकिन कुछ जगह बाइंडर इन सब में, तो जनरली जो हम यूज करते हैं TLC प्लेट उसमें एक बाइंडर होता है, बाइंडर, और वो बाइंडर होता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, मैं यहाँ हाइड्रेट इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, सब फार्मूला आप लोग देखना। जो कैल्शियम सल्फेट होता है, इस सिलिका का जितना सिलिका होता है उसका 10-15% कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बात और समझना कि जिप्सम की जगह ऐसा हो सकता है कि इसमें स्टार्च को एज ए बाइंडर के रूप में, स्टार्च को या सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को भी यूज किया जा सकता है बाइंडर के रूप में। ये क्या होता है, एल्युमिनियम फॉयल होता है, इसके ऊपर तो क्या होता है सिलिका किया जाता है, लेकिन सिलिका चिपकेगा नहीं, बाइंड नहीं होगा, तो एक बाइंडर मिलाया जाता है। वो बाइंडर क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। साथ साथ यहाँ पर आपने लिखा F होता है, F का मतलब फ्लोरोसेंट मटेरियल्स एक मिलाया जाता है, वो क्या होता है, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल्स मिलाया जाता है जो ZnS होता है। ठीक है, आइए हम सारी चीज़ों को जो मैंने अब तक बताया इसको हम आपको फिर से पूरा रिविजन करा दे रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी चीज यहां से मिस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो
टीएलसी प्लेट होता है, टीएलसी प्लेट होता है, ठीक है। टीएलसी प्लेट का मेन कंपोनेंट पहला क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉयल होता है। दूसरा क्या होता है, SiO2, ए स्टेशनरी फेज होती है। इसका मेस साइज 60 होता है, ठीक है, पार्टिकल साइज इतना होता है। और इसमें एक फ्लोरोसेंट मटेरियल ZnS का यूज किया जाता है, जो 254 पर ए फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंस शो करता है। एक बाइंडर यूज होता है, बाइंडर क्या यूज होता है, बाइंडर जनरली जिप्सम यूज होता है, जिप्सम यूज होता है, जिप्सम सेमी कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग होता है। जिप्सम के प्लेस पर हम कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हम यहाँ पर दूसरे भी, जैसे कि हम दूसरे बाइंडर का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। SiO2 को, ये देखो, सिलिकन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या होता है ये समझते हैं। हाँ, इसका मैकेनिज्म हम यहाँ समझते हैं, या इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल हम जानते हैं कि ये क्या होता है, सिंपली आप अगर इसको समझना चाहेंगे तो ऑल कंपाउंड्स हैव डिफरेंट अफिनिटी, अफिनिटी टूवर्ड्स सिलिका स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, जो सॉल्वेंट होगा मोबाइल फेज के लिए डिफरेंट अफिनिटी होगा। अगर डिफरेंट अफिनिटी होगा तो जो सिलिका प्लेट्स है, ठीक है, जो सिलिका प्लेट्स है, ध्यान से समझना, या हम ऐसे इसको सिलिका प्लेट्स, ऐसे सिलिका प्लेट्स बनाते हैं। अगर इसको आप बीकर में ऐसे लोगे, बीकर कोई आपका बीकर हो गया, उसमें आप इसको रख लिए, उस कंडीशन में क्या होगा, जब इसको रन कराएंगे डिफरेंट कंपाउंड होंगे, जिसका सिलिका प्लेट और जो यहाँ पर सॉल्वेंट होगा उसके साथ अलग अलग इसका अफिनिटी होगा, उसकी अफिनिटी का मतलब बाइंडिंग, ठीक है, अलग अलग होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे रन कराएंगे तो डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट स्पीड से रन करेंगे, तो कौन पहले रन करेगा, कौन बाद में रन करेगा, इसको कौन डिफाइन करेगा, इसको पोलरिटी डिफाइन करेगी, ठीक है। आइए हम उसको समझते हैं। तो क्या होता है, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3, जल्दी दो का यूज किया जाता है। SiO2 क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। Al2O3 क्या होता है, मेटल होता है, मेटल का ऑक्साइड बेस होते हैं, बेसिक, ठीक है, बेसिक होता है। जल्दी जो ऑल ऑर्गेनिक और एसिडिक नेचर के जो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिडिक नेचर जो कंपाउंड होंगे, सिलिका प्लेट के ऊपर उसको पास कराया जाता है। बेसिक बेसिक स्पेशली अमीन टाइप के जो होते हैं, एल्मिना के ऊपर, एल्मिना से उसको रन कराने पर, एल्मिना से उसको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अभी इसके और मैकेनिज्म को बताएंगे, उसके पहले हम कितने यहाँ पर वो होते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, TLC के लिए, किसी भी क्रोमेटोग्राफी के लिए, आप जानते हो क्रोमेटोग्राफी के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। पहला होता है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज और मोबाइल मीडिया, ठीक है, मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज क्या होता है, ये सॉल्वेंट होता है या सॉल्वेंट का सोल्यूशन होता है डिफरेंट रेशियो में। एक क्या होता है, जल्दी, SiO2 होता है, Al2O3 होता है, एल्मिना या सिलिकन होता है, ठीक है, ये दो होते हैं। अब हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि कौन कौन से मोबाइल फेज यूज, स्टेशनरी फेज यूज होते हैं, उसको प्लीज आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो कुछ जो यूज होते हैं हमारे लैब में, हम उसके बारे में, सिलिका जेल यूज होता है फार्मास्यूटिकल लैब में, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, स्टेरॉइड्स के लिए, एमिनो एसिड के लिए, एल्कोहल के लिए, हाइड्रोकार्बन्स के लिए, लिपिड्स के लिए, ठीक है, बाइल एसिड के लिए, विटामिन के लिए, एल्कलॉइड्स के लिए यूज होता है। सिलिका जेल रिवर्स फेज,
सिलिका जेल रिवर्स फेस मीन सिलिका जेल के ऊपर किसी ऑर्गेनिक मटेरियल का कोटिंग की कर दी जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, सिलिका जेल अभी पोलर है, SiO2 हाईली पोलर है, एसिडिक होता है, इसके ऊपर किसी ऑर्गेनिक मटेरियल का कोटिंग जैसे C8 का C18 का अगर कोटिंग कर दिए जाएंगे तो जो पोलर है नॉन पोलर में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवर्स फेस सिलिका जेल बोलते हैं। इसके केस में क्या होता है, ए अगर आप यूज कर रहे हो एज ए स्टेशनरी फेस तो फैटी एसिड विटामिन स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स के लिए यूज होता है। एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का यूज किसके लिए होता है, अमीन्स के लिए, बेसिकली अमीन के लिए, एल्कोहल स्टेरॉइड लिपिड्स बाइल एसिड इन सब के लिए यूज होता है। और मैग्नीशियम सिलिका का भी यूज होता है, मैग्नीशियम सिलिका का टेट्राइड्स पेस्टिसाइड्स लिपिड्स और एल्केलॉइड्स के लिए यूज होता है। ये मेनली जो हमारे अभी तक यूज होते हैं हमारे लैब में स्टेशनरी फेज, उनके बारे में मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल रिवर्स फेज, एल्युमिनियम ऑक्साइड मीन्स एल्युमिना, मैग्नीशियम सिलिका यूज होता है। इसके अलावा भी दूसरे कुछ यूज होते हैं, मेनली जो यूज होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको समझिएगा, आप लोग प्लीज आप लोग अच्छे समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा टीएलसी प्लेट होता है, टीएलसी प्लेट होता है उसको हम छोटे छोटे भाग में ऐसे कट करके यूज करते हैं। तो जनरली टीएलसी प्लेट जो हमें कट करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड है कि 9 सेंटीमीटर का कट करना चाहिए, 9 या 10 सेंटीमीटर का कट करना चाहिए। और जो आप टीएलसी प्लेट यहाँ पर एक कट कर लिए हो, ठीक है, इसको टीएलसी प्लेट, तो बेस से इसका जो बेसिक पॉइंट है यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर एक सीधी लाइन खींचना चाहिए। इस लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन, क्या बोलते हैं, बेस लाइन इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको स्पॉट लगाने होते हैं, यहाँ पर आपको क्या लगाने होते हैं, यहाँ पर आपको स्पॉट लगाने होते हैं, ठीक है। और ध्यान देना स्पॉट मिनिमम 2 स्पॉट होगा, एक स्पॉट किसका होगा, एक रॉ मटेरियल या स्टार्टिंग मटेरियल्स का, दूसरा आपको बीच का होगा या रिएक्शन आप कोई लगा रहे हो, हम यहाँ रिएक्शन की बात करें रिएक्शन के लिए, तीसरा स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सैंपल आपके पास है उसका, ऐसे आप लगाएंगे। सबका स्पॉट ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना बराबर ना तो छोटा होना, लगभग इक्वल होना चाहिए। और जो स्पॉट है इसका जो डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर 1 to 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, mm 1 to 2 mm मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ठीक है। और इसको जब हम किसी डेवलपर चैम्बर में, डेवलपिंग चैम्बर में मीन्स आप जनरली तो डेवलपिंग चैम्बर एक आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बीकर में इसको रख सकते हो। बीकर में जब आप रखते हो तो क्या होना चाहिए कि ये जो बेस लाइन है, इससे ज़्यादा सॉल्वेंट मोबाइल फेज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा मोबाइल फेज नहीं होना चाहिए। और ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम होगी। जैसे SiO2 क्या है, पोलर है, हाईली पोलर है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका सैंपल ए बी सी लिए तो ध्यान देना, अगर ए की एफिनिटी सिलिका के साथ ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट में रन लेट करेगा। तो जिसकी एफिनिटी, मान लो सी की एफिनिटी बिल्कुल नहीं है, तो सबसे पहले रन कौन करेगा, सी करेगा, फिर बी करेगा और सबसे स्लो रन ए करेगा। तो आप ऐसे बता सकते हो, अगर सिलिका आपका ये प्लेट है और इस पर यहाँ पर मान लो इस प्रकार से आपका मिला, ए सी है, ए है और ए बी है, आप ऐसा कंसिडर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफिनिटी, सबसे लो अफिनिटी क्या होगी, लोवेस्ट अफिनिटी किसकी होगी, लोवेस्ट बाइंडिंग कौन करेगा, सी करेगा। सबसे हाईएस्ट बॉन्डिंग कौन सिलिका के साथ करेगा, बी करेगा। जो बॉन्डिंग सिलिका के साथ ज़्यादा करेगा वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अब हाँ, अब इसका एम क्या होता है, मैंने प्रिंसिपल आपको समझाया, एम क्या होते हैं, इसका एम होता है कि हमें वेल डिफाइंड और वेल सेपरेटेड स्पॉट मिलना चाहिए। स्पॉट क्या होते हैं, जो आप यहाँ पर
पॉइंट पर जहां पर आप कंपाउंड लगाते हैं, जो ये आपको मिला हुआ है इसको स्पॉट कहते हैं, जो बिंदु मिलता है ना, पॉइंट मिलता है, इसको स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो हम देखो आपको चीजें अब समझा रहे हैं। कंसिडर करो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टीएलसी प्लेट हो गया और आपने ये बेस लाइन है आपका कंपाउंड रन करते हुए यहां तक पहुंचा, सॉल्वेंट यहां तक रन किया और आपका कंपाउंड जो है सैंपल है यहां तक रन किया। तो जो ए डिस्टेंस होगा, मान लो इस डिस्टेंस को हम एक्स बोलते हैं सॉल्वेंट का डिस्टेंस, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई फ्रॉम बेस लाइन से, तो इसको क्या होता है, एक फैक्टर होता है रिटेंशन फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। रिटेंशन फैक्टर आरएफ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैंपल्स या कंपाउंड्स फ्रॉम बेस लाइन इसको डिवाइड करो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट या मोबाइल फेज। ठीक है, सॉल्वेंट बहुत नहीं होगा, बहुत सही अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा बिकॉज क्योंकि जो हम मीडिया यूज करते हो डिफरेंट सॉल्वेंट के मिक्सचर भी यूज होते हैं। तो आर एफ फैक्टर यहाँ से अब क्या होगा, y बाई एक्स हो जाएगा। अब ध्यान देना सॉल्वेंट ये जो कंपाउंड है मैक्सिमम जहां तक सॉल्वेंट गया उससे ज्यादा तो कंपाउंड नहीं जाएगा, इसका मीन्स कि y हमेशा x के बहुत होगा तो बराबर होगा या तो लेस होगा। यहां से आपको क्या समझ में आया, रिटेंशन फैक्टर हमेशा 1 से लेस और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 1 कब होगा, जब हाईली नॉन पोलर होगा तो 1 होगा, जब पोलर होगा तो 1 से कम आएगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है, मे बी 0 भी हो सकता है, ध्यान देना हाईली पोलर है आपने लो पोलर सॉल्वेंट चूज किया तो उस समय वो रन नहीं करेगा, उस समय रिटेंशन फैक्टर 0 होगा। ये चीजें मैंने आपको बताया। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको समझा कुछ बताने जा रहे हैं वो आप समझिएगा। फिर एक प्रॉब्लम होती है जो नए नए अभी केमिस्ट बने हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, कौन सा सॉल्वेंट लें, सॉल्वेंट सिलेक्शन या इसको कह सकते हैं कि मोबाइल फेज सिलेक्शन कौन सा करें। तो अगर जनरली लो पोलर कंपाउंड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस समय आपको जो सॉल्वेंट लेना है वो एथाइल एस्टेट और एन हेक्जेन या पेट ईथर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर लो पोलर कंपाउंड है तो आप एथाइल एस्टेट और एनहेक्जेन या पेट्रोलियम ईथर ले सकते हो, और हाईली पोलर अगर आपका कंपाउंड है सैंपल है उस समय आपको जो लेना है वो, यहां ध्यान देना एथाइल एस्टेट पोलर है और एनहेक्जेन नॉन पोलर है, यहां पर उसी रेशियो में बात करेंगे तो मेथनॉल लेंगे और डीसीएम डाइक्लोरोमेथेन या तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म ये आप यूज करेंगे, और बहुत ही हाईली है। ठीक है, स्ट्रांग पोलर कंपाउंड है, मोस्ट पोलर कंपाउंड है, उसके लिए आपको क्या करना है, एथाइल एस्टेट ब्यूटेनॉल एस्टिक एसिड CH3COOH और वाटर का लेना है कितना 80-10-5-5। इस रेशियो में स्ट्रांग पोलर कंपाउंड का देखेंगे आसानी से रन कर जाएगा। ठीक है, और ये आपको समझना है कि यही होना होगा। ठीक है, तो ध्यान देना स्ट्रांग पोलर कंपाउंड है तो एथाइल एस्टेट ब्यूटेनॉल CH3COOH मीन्स एस्टिक एसिड H2O का रेशियो 80-10-5-5 में आपको लेना है, ये आप प्लीज इसको आप समझिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम आपको फिर एक चीज और आपको डाउट होता है, वो डाउट ये होता है कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, इसका ऑर्डर क्या होता है, एक कई लोगों ढेर सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि कौन सा ज्यादा पोलर है कौन सा
कौन लेस पोलर है। तो ठीक है, इस चीज को हम आपको यहाँ पर सॉल्वेंट के बारे में बताते हैं। तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पेट ईथर लेस पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, पेट ईथर से ज्यादा पोलर कौन होता है? एनहेक्सेन। एनहेक्सेन से ज्यादा पोलर होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर टॉलविन। टॉलविन से ज्यादा पोलर होता है बेंजीन। बेंजीन से ज्यादा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से ज्यादा DCM डाइक्लोरोमेथेन, उससे ज्यादा डाइएथाइल ईथर, एनब्यूटेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। इससे ज्यादा पोलरिटी कौन शो करता है? एसीटोन। और एसीटोन से ज्यादा पोलरिटी मेथेनॉल। जो पानी होता है वो सबका बादशाह होता है, वाटर सबका बादशाह होता है, ए पोलरिटी का ऑर्डर होता है। प्लीज टीएलसी के लिए आपको ये चीजें ध्यान दीजिएगा। ओके, अब ध्यान देना कि अगर टीएलसी प्लेट आप रन, टीएलसी प्लेट अगर आप यूज कर रहे हो, टीएलसी प्लेट को अगर रन करा रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर रन नहीं कर रहा है तो आपको क्या होगा, उसके स्पीड को यानी रन करने के रन स्पीड को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो इसकी पोलरिटी को, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पोलरिटी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, वो इजिली रन करेगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं इसके सम और जो मेन में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स और आती है, उन सब के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, टीएलसी के लिए बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट डेफिनेशन बताने के लिए नहीं है, जो प्रॉब्लम लैब में होते हैं हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट करते तो पहला तो आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टेशनरी फेज होना चाहिए। स्टेशनरी फेज का सिलेक्शन आपको करना है, फिर दूसरा आपको क्या करना है, मोबाइल फेज का सिलेक्शन करना है। उसके बाद आप ये क्या हो गया, टीएलसी प्लेट आपको मिलेगा, उस टीएलसी प्लेट से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो। मोबाइल फेज क्या होता है, आपका जो सॉल्वेंट यूज होता है, जो सॉल्वेंट होता है या तो सोल्यूशन होता है, जो आप दो सॉल्वेंट का, टू या थ्री सॉल्वेंट का जो मिक्सचर आप सोल्यूशन लेते हो वो आपको करना है। इसके बाद थर्ड होता है, उसको एक डेवलपिंग चैम्बर में रखना होता है। ठीक है, जिस चैम्बर में इसको रन करने के लिए आपको सीधा नहीं, हल्का इंक्लाइंड करना, प्लीज हल्का इंक्लाइंड करके ही आपको रखना है, एकदम सीधा नहीं रखना है, हल्का इंक्लाइंड करके ही आपको रखना है। इस चैम्बर को जिसमें आप रखते हो इसको कहते हैं डेवलपिंग चैम्बर। इस डेवलपिंग चैम्बर में जनरली 1-2 ml सॉल्वेंट या मोबाइल फेज यूज करना है। ठीक है, 1-2 ml सॉल्वेंट या मोबाइल फेज यूज होता है, वैसे डिपेंड करता है कि आपका डेवलपिंग चैम्बर कैसा है। ठीक है, और यहाँ पर टीएलसी प्लेट को रखने से पहले इसमें सबसे पहले क्या होगा, उसमें टीएलसी प्लेट को रखने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान देना, आपको पहले इसमें सॉल्वेंट मिलाने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देना है, इसको कवर करना है, कवर करके आप इसको रख देंगे। ये लगभग 2-3 मिनट में ये सेचुरेट हो जाएगा, सेचुरेशन हो जाएगा। सेचुरेट होने का मतलब जो सॉल्वेंट है ये वेपर के फॉर्म में, पूरे सिस्टम में वेपर के फॉर्म में हो जाएंगे और ये पूरा सिस्टम सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट होने से फायदा क्या होता है, जो रनिंग टाइम होता है, जो टीएलसी प्लेट का रनिंग टाइम होता है वो इनहेंस इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि हमारा टीएलसी प्लेट इक्वली मीन्स यूनिफॉर्म सॉल्वेंट रन करता है, दो इससे प्रॉफिट होता है, रनिंग टाइम इंक्रीज होता है, मीन्स रनिंग टाइम डिक्रीज होता है और यूनिफॉर्म सॉल्वेंट रन करता है। ये दो चीजें हो गई, आप ये आपको समझ में आ गया। फिर डेवलपिंग चैम्बर के बाद फिर आता है, डेवलपिंग चैम्बर के बाद आता है विजुअलाइजेशन। आपने डेवलपिंग चैम्बर में सैंपल को रखा और सैंपल को रखने के बाद वो रन किया। ठीक है, रन करने के बाद फिर आपने क्या किया,
रन करने के बाद, ध्यान देना जो आप केएलसी प्लेट पर रन करा रहे हो, तो मान लो ये बेस लाइन है, रन कराना तो यहाँ पूरा नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे तक, जनरली 1 सेंटीमीटर बिलो नीचे तक ही आपको इसको रन कराना है, ठीक है। आप रन करा ली, उसके बाद इसको विजुलाइज कीजिए कि हमारा कैसा स्पॉट आया है, क्या आया है। तो ध्यान देना, इसको विजुलाइजेशन के लिए हम सबसे बेसिक होता है यूवी लैंप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूवी लैंप का यूज करते हैं। यूवी लैंप क्या होता है? जो आपका यूवी लैंप होता है, इसमें दो, एक रेंज तक होता है यूवी लैंप आपका, एक रेंज तक होता है, और जो रेंज होता है वो 254, जो वहाँ पर लिखा 254 से लेके 360 या 350 नैनोमीटर तक ये फ्लोरोसेंस शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, इसको क्या कहेंगे? शॉर्ट रेंज। इसको क्या कहेंगे? शॉर्ट रेंज। यूवी लैंप पर लिखा होता है शॉर्ट रेंज, शॉर्ट वेवलेंथ होता है, ये लॉन्ग वेवलेंथ होता है। ठीक है, इसमें जो शॉर्ट वेव होता है, इसमें क्या होता है? डार्क कलर का दिखता है, डार्क कलर स्पॉट दिखता है, और जो कंपाउंड जो स्पॉट होता है वो ग्लो करता है। और लॉन्ग वेवलेंथ में क्या होता है? इसमें भी स्पॉट तो डार्क दिखेगा, लेकिन इसमें ग्रीन कलर की लाइट निकलती है, ग्रीन कलर की लाइट यहाँ से निकलती है, ठीक है। और जो लॉन्ग वेवलेंथ होता है, क्या होता है कि जो सिलिका प्लेट होता है, सिलिका प्लेट, ठीक है, SiO2, ये क्वेंचिंग करता है, एक ब्लॉकिंग इफेक्ट शो करता है, किसके साथ? यूवी के साथ, और हमें सैंपल का स्पॉट क्लियरली दिखता है, ठीक है। ये तो हो गया यूवी के बारे में। इसके बाद हम और भी चीजें आपको बताने जा रहे हैं, और भी विजुलाइजेटिंग एजेंट होते हैं। कंसिडर करो यूवी लैंप आपने देखा है, आपको कोई कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्या इसका मतलब उसमें कोई कंपाउंड नहीं, उसमें कोई सैंपल नहीं? सैंपल हो सकता है। यूवी लैंप में अगर नहीं दिखा तो आपको आयोडीन चैम्बर में इसको रखना पड़ेगा। आयोडीन चैम्बर कुछ नहीं होता है, एक आपके पास अगर आयोडीन चैम्बर नहीं, तो एक डब्बा लीजिए बढ़िया सा, प्लास्टिक का या कांच का, उसमें आयोडीन थोड़े से आयोडीन इसमें रखिए, ऊपर से इसको कवर कर दीजिए। सैंपल को यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको TLC प्लेट को यहाँ पर रखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो जितने भी ये जो होते हैं आयोडीन चैम्बर जो होते हैं, इसमें आप देखेंगे कि जितने भी एरोमेटिक होते हैं और कॉन्जुगेटेड होते हैं, कॉन्जुगेट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, या कॉन्जुगेट कंपाउंड या कॉन्जुगेट सिस्टम जो होते हैं, उनका आसानी से विजुलाइजेशन आप यूवी आयोडीन चैम्बर में कर सकते हैं। दूसरा जो इसके बाद आप यूज कर सकते हो, पैरा एनिसल्डिहाइड का, ठीक है, पैरा एनिसल्डिहाइड क्या होता है आप जानते हो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एल्डिहाइड होता है और पैरा पोजिशन पर OCS ग्रुप। इसका डेवलपिंग एजेंट इसके रूप में, डेवलपर के रूप में इसका यूज कर सकते हो, विजुलाइजेशन के लिए इसका यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है? ए एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल के लिए इसका यूज होता है, वेनिलिन का भी यूज होता है, इसका भी यूज एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल के लिए होता है। वेनिलिन का आप लोग को स्ट्रक्चर तो मालूम होगा, इसमें भी एल्डिहाइड होता है, ठीक है। हम इसके मैकेनिज्म भी बताएंगे आपको। पर मैग्नेट का यूज होता है, पर मैग्नेट का यूज होता है। अब कौन कौन से यूज होते हैं, क्यों होते हैं, वो मैं आपको सीधा एक अच्छे से लिखकर दिखा रहा हूं आपको। देखो यूवी चैम्बर यूज होता है, ठीक है, यूवी चैम्बर किसके लिए यूज होता है ये आपको मालूम है, एरोमेटिक के लिए यूज होता है, एरोमेटिक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए यूज होता है। किसके लिए? क्योंकि जो जिसमें यूवी लाइट क्या होता है, जिसमें ट्रांजिशन क्रिएट कर सके, वो यूवी में एक्टिव होगा। ऑल कॉन्जुगेटेड सिस्टम एरोमेटिक। आयोडीन के लिए क्या होता है? आयोडीन जनरली किसके लिए यूज होता है? अनसैचुरेटेड के लिए, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। उसके बाद आप देखोगे
मैंने आपको बताया पैरा एनएसएलडिहाइड, इसका यूज होता है एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल के लिए। वेनलिन का भी यूज इसके लिए होता है, वेनलिन की यूज इसके लिए होता है। और परमैग्नेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, या तो पिंक कलर, पिंक ब्लू कलर का इसका होता है। इसका भी यूज किया जाता है एल्कीन, एल्काइन मीन्स जिसको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, जैसे एल्डिहाइड को कर सकते हो, एल्कोहल को कर सकते हो, जिसको ऑक्सीडाइज जो हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए परमैग्नेट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रोमोक्रिसाल का यूज किया जाता है। ब्रोमोक्रिसाल में आपको जितने भी एसडी कंपाउंड होते हैं, एसडी कंपाउंड स्पेशली ऑर्गेनिक एसडी कंपाउंड, उसको इसमें डीप किया जाता है। फिर फास्फोल मोलिब्डिक एसिड का यूज किया जाता है, PMA इसको कहते हैं, इसका यूज किया जाता है एल्कोहल, फिनॉल, एल्किन्स और कार्बोनिल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये तो रह गया सारी चीजें जो आपने यूवी में देखा, सॉरी जो आपने टीएलसी के लिए देखा। कुछ चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा हुआ कि आपने अभी देखा कंपाउंड, देखा यहाँ पर बेस लाइन है, इसको रन कराया, यहाँ पर दिखा, अभी आप देख रहे हो, यू आपने इसको रन कराया, उसके तुरंत बाद इसको यूवी में आपने देखा है, दिखा, लेकिन अगले ही थोड़ी टाइम के बाद ये डिसअपियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये सैंपल है, जो ये कंपाउंड है, वो क्या होगा, लिक्विड फेज में है, ये कन्फर्म हो गया, ये लिक्विड में है, ये लिक्विड फेज में है। ठीक है, समझिएगा, जितने भी बेंजिल हैलाइड टाइप के हैं, इनका आप टीएलसी देखेंगे तो आपको सीधा ही, मतलब यूवी चैम्बर में नहीं ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लाइट पिंक कलर का आपको सीधा नेक्ड आई से देखेगा। ओके, ये चीजें आपको समझना है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी के बारे में, जो आपको बेसिक आनी चाहिए, जो नॉलेज आपको होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। ये प्रैक्टिकल नॉलेज सारी थी, बुक में तो आप ढेर सारे इसके बारे में पढ़ सकते हो, जो लैब में मैंने फेल किया, जो प्रॉब्लम्स हुई, उन सारी चीज़ों को मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, आप लोगों ने पेशेंस रखकर यहाँ तक पूरा मेरा वीडियो भी देखा।